9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। राजस्थान बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने राजस्थान इकाई में गुटबाजी की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि पार्टी नेताओं के विचारों में भेद हो सकता है लेकिन किसी तरह मन भेद या धड़ेबाजी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस को दोहरे चरित्र से भरी भ्रमित पार्टी करार दिया है। जयपुर के एक दिवसीय प्रवास पर आए सिंह ने कहा कि हम भिन्न भिन्न मतों के साथ एक हैं। पार्टी की स्थानीय इकाई में धड़ेबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी में मत अलग अलग होते हैं, विचारों में भेद होना भी चाहिए लेकिन मत भेद होता है, मन भेद नहीं होता। हम एक हैं, मतों की भिन्नता एक साथ है। पार्टी के किसी तरह की धड़ेबाजी को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि अलग अलग राय होती है, होनी चाहिए, लेकिन राय अलग अलग होने के बाद किसी विषय पर सहमति बनाने का काम हम करते हैं। राजस्थान में 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव में किसी एक चेहरे को आगे रखने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव तक कई लोगों को मीडिया मुख्यमंत्री बनाएगी। मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए बहुत से लोग मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना कौन होगा, कैसा होगा या नहीं होगा या होगा, ये सारे काम संसदीय बोर्ड पर निर्भर करता है, वही उचित समय पर फैसला करता है। सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने तो वसुंधरा राजे के खिलाफ कई जांच भी बैठाई, तो कैसे तालमेल हो सकता है। वसुंधरा जी बिल्कुल संघर्ष कर रही हैं, सड़कों पर हैं। इस बारे में सांसद हनुमान बेनीवाल के आरोपों पर उन्होंने कहा कि वो कौन होते हैं ऐसी बात करने वाले। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर सिंह ने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हो अथवा कांग्रेस के दूसरे अन्य नेता हो, सभी किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस का किसान आंदोलन को सीधा सीधा समर्थन है। अरुण सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कोई चेहरा नहीं था, उत्तराखंड में कोई चेहरा नहीं था, हरियाणा और महाराष्ट्र के पहले चुनाव में कोई चेहरा नहीं था, कई राज्यों में चेहरा होता है, कहीं नहीं होता, ये शुद्ध रूप से बीजेपी संसदीय बोर्ड तय करता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच तालमेल के आरोपों का जिक्र किए जाने पर सिंह ने कहा कि ऐसे कैसे मान सकते हैं कि दोनों में तालमेल है, ये तो विरोधी लोग कहते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।